हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, आर इज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पी के ए वैल्यूज। मैंने आपको ये पहले भी बेटा सिखाया है कि जब भी आपसे पी के ए या के ए पूछ ले तो बेसिकली एसेटिक स्ट्रेंथ कंपेरिजन कर रहा है। और मैंने आपको ये बताया था कि एसेटिक स्ट्रेंथ जो होती है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। मतलब अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लें तो हम के ए एंड पी के दोनों का ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्लियर। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन मैंने आपको सिखाया था कि कॉन्जुगेट बेस बना लो। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हो? जैसे मुझे एक्स का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एच प्लस बार निकाल देते थे। तो एच प्लस बार निकाल दो और जिस एटम से एच लगा है उस पर नेगेटिव चार्ज दे दो। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली Y का कॉन्जुगेट बेस बना के देख लेते हैं बेटा। CH3CO O नेगेटिव एंड जो Z का कॉन्जुगेट बेस रहेगा दिस विल बी CH3O नेगेटिव। फिर ये कॉन्जुगेट बेसिस बन गए। अब इनका सिमेट्रिक कंपैरिजन कर लो। अब देखो यहाँ पे ये दो बार रेजोनेंस कर सकता है, एक बार इस ऊपर वाले डबल बॉन्ड के साथ, ठीक, और एक बार ये रेजोनेंस कर सकता है नीचे वाले डबल बॉन्ड के साथ कि यहाँ पे जाए चार्ज फिर यहाँ। तो इसके टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे बेटा? तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक तो गिवन है, दो और हम बना सकते हैं। इसके दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक तो गिवन है और ये जब हम इस तरीके की रेजोनेंस करेंगे। इसमें तो वो रेजोनेंस का चांस ही नहीं है। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक। यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हेंस एक्स का जो कॉन्जुगेट बेस है दिस इज मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस followed by conjugate base of y, followed by conjugate base of z। तो जो acidic strength order है बेटा, x सबसे ज़्यादा acidic है, followed by y, followed by z। लेकिन हमसे acidic strength नहीं पूछी, हमसे pKa values का order पूछा है। acidic strength is inversely proportional to pKa। तो जो pKa का order होगा बेटा, वो क्या होगा? x का pKa सबसे कम होगा, followed by y, followed by z। Hence b part will be the best suitable answer। Clear? Hopefully आपको समझ आ गया। Thank you।